हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नॉन स्टॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट है और इस पार्ट में मैंने फिजिक्स के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो एग्जाम्स में पहले आते रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज़ का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से आप पिछले पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल, इनको प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं और इनमें से सिलिकॉन जो तत्व है वो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सोलर सेलें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेलें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से ज़्यादा होता है वह तत्व रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से रेडियो एक्टिव कौन नहीं है? जर्कोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है और ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? तो लेज़र का आविष्कार किया था थियोडोर मेमेन ने 16 मई 1960 को, और इन्होंने रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में ये सफल रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडोर मेमेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज। और आइंस्टीन ने इसकी सही से व्याख्या और इसके नियमों का आविष्कार किया था जिसके लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि? तो विद्युत मोटर, ये विद्युत धारा अधिक खींचते हैं जो कि वोल्टेज के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विद्युत द्वारा अधिक खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकल कैडमियम ये रिचार्जेबल बैटरी होती है और इसका उपयोग कैलकुलेटर में भी होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तो सभी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है उनको विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। और इसके बाद जो है तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, इन सबकी विद्युत चालकता होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं सोडियम। और सोडियम के कारण ही हैलोजन का जो लाइट होता है वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो तरंगों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। और सबसे कम तरंग लंबाई होती है गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो माना गया है वह है 45 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 dB। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? तो ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, ठोस, द्रव या गैस, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसीलिए वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर संघ और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
तो किसी माध्यम में जब कोई कण एक कंपन पूरा करता है तो जो तरंग की दूरी होती है, तरंग जो इस तरह से बनता है और इसके जो ऊपर के दो पॉइंट हैं ये उत्तरोत्तर संघ होते हैं और नीचे के जो दो पॉइंट हैं ये उत्तरोत्तर गर्त होते हैं, जिनको इंग्लिश में सक्सेसिव क्रेस्ट कहते हैं उत्तरोत्तर संघ को, और सक्सेसिव थ्रोस कहते हैं उत्तरोत्तर गर्त को। तो इनके बीच की दूरी जो है दो उत्तरोत्तर संघ या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें ज़्यादा गर्म होती हैं क्योंकि। तो साफ बिना बादल वाली रातों की अपेक्षा जो बादल वाली रातें होती हैं वो ज़्यादा गर्म इसलिए होती हैं क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है दिन में और रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करती है। लेकिन अगर रात में बादल होते हैं तो वह विकिरण ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, और इसीलिए साफ आसमान की अपेक्षा जब बादल होते हैं आसमान में तो वो रात जो है ज़्यादा गर्म होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अवस्थाओं में किसमें जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो कपड़े सूखने के लिए जितनी कम आर्द्रता होगी और तापमान जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी गीले कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे कम आर्द्रता है ऑप्शन डी में, 20% आर्द्रता है, 20% आर्द्रता सी में भी है लेकिन तापमान वहाँ पे कम है। यहाँ पे ऑप्शन डी में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 20 डिग्री आर्द्रता है, तो ये कंडीशन जो है सबसे सही होगी जल्दी कपड़े सूखने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने से विस्तारण। तो गर्म करने पर पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व उसका कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो सेल्सियस और फारेनहाइट रीडिंग में क्या अंतर होता है, सी अपॉन फाइव इजक्वल टू होता है एफ माइनस 32 अपॉन 9। यहाँ पे सी क्या है, सेल्सियस है, एफ क्या है, फारेनहाइट है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे F को भी हम C मान करके, क्योंकि दोनों को हमें बराबर करना है तो F को भी हम C मान करके करते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा -40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री। तो अगर ये फार्मूला आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन अगर आपको अलग तरह से दिया जाए तो भी आप कर लेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि किस तापमान पर फारेनहाइट रीडिंग सेल्सियस रीडिंग से दुगनी होगी, तो भी आप यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे, यहाँ पे एफ की बजाय आप 2C कर देंगे क्योंकि हमें सी का दुगना करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत पानी से क्योंकि। तो भाप से हाथ इसलिए अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम जल वाष्प हो और 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम जल हो तो जल की अपेक्षा वाष्प में 540 कैलोरी अधिक ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो, तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसको वो परावर्तित कर देता है। जो परावर्तित वो कर देता है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसीलिए वो वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। तो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं आँख में जिसके सिकुड़ने और फैलने से आँख के लेंस की मोटाई घटती है या बढ़ती है और इसी वजह से आँख के लेंस की फोकस दूरी भी चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम चेक करने के लिए आप इंग्लिश का वर्ड है विबग्योर, इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे V का मतलब है वायलेट यानी बैगनी, I का मतलब इंडिगो, B ब्लू, Y येलो और O ऑरेंज और R है रेड। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ब्लू, ग्रीन और येलो ये यहाँ पे सही क्रम होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला, हरा, पीला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव। और ये पता चलता है आकाशगंगा के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न रेड शिफ्ट से जो कि हमसे लगातार दूर जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का हर दिशा में विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और इसी वजह से आकाश का रंग नीला दिखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो अलग अलग रंग के प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है
और इसी से उनका रंग निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य से। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। तो दूरदर्शन के सिग्नल एक दूरी के बाद इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है और इस वजह से सिग्नल पृथ्वी की सतह से टकराते नहीं बल्कि सीधे आगे निकल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। और इसके अलावा हीरे का चमकना और मृग मरीचिका ये प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी श्यानता जो है घटती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चलता है तो इसका कारण क्या है। तो किसी केश नली में कोई तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चलता है, पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा का जो पलायन वेग है गैस के अणुओं का वेग उनसे ज़्यादा होता है और इसलिए वे वहाँ से पलायन हो जाते हैं और इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इस पर गैस अणुओं का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल गतिज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण या एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा, यानी संवेग बटे वेग क्या होगा, संवेग बटे वेग बराबर होगा द्रव्यमान के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो भूकंप मापी यंत्र है सीज्मोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीज्मोग्राफ। और यहाँ पे कैस्कोग्राफ है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र होता है और इसका आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बसु ने। और गीगर काउंटर ये आयनित विकिरण को मापता है और रेन गेज ये वर्षा मापी यंत्र है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं लक्स मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। और यहाँ पे बी ऑप्शन है, कोलोरी मीटर। तो कोलोरी मीटर ये किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए गए रंग को मापता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होती है, वह राशियाँ जिनमें हमें दिशा की जरूरत होती है, जैसे कि बल है, संवेग है, त्वरण है, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशियाँ जिनमें दिशा नहीं बतानी पड़ती, जैसे कार्य है, आयतन है, दूरी और चाल, ये सब क्या है, ये अदिश राशि हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें हमें दिशा बतानी पड़ती है कि किस दिशा में विस्थापन हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान जो एक चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या होगा। तो अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है उससे अगर हम कोई वस्तु छोड़ेंगे तो अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसकी वजह से वो यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, वो धरती की तरफ नहीं गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। तो बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है वो होता है उसका पृष्ठ तनाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथने के पश्चात दूध का क्रीम से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो मथने के बाद जो है दूध क्रीम अलग अलग हो जाते हैं, ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल।
तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर्स।